हाईकोर्ट में माने की याचिका दायर। रिपोर्टिंग करने से रोकने की भी अपील। सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पिटाई के बाद पहलवान सागर धनखड़ की मौत मामले में गिरफ्तार पहलवान सुशील कुमार की मां ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, गुरुवार को जिसकी सुनवाई अदालत कर सकती है। इस याचिका में सुशील की मां ने अपील की है कि मीडिया जिस तरह से उनके बेटे का ट्रायल कर रही है वह बंद हो और क्रिमिनल रिपोर्टिंग के लिए एक उचित नियम बने जिसमें आरोपी के हितों का भी ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया को सुशील के मामले को सेंसेशनल रिपोर्टिंग करने से रोकने की भी अपील की है। पुलिस ने ओलंपियन सुशील कुमार के 4 और साथियों को गिरफ्तार किया। अब तक 7 गिरफ्तार। छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई की रात को हुए सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। ओलंपियन सुशील कुमार के करीबी और काला अवसाद नीरज भवानिया गैंग 4 बदमाशों को रोहिणी जिला के स्पेशल स्टाफ ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान गांव खेड़ी जसौर झज्जर हरियाणा निवासी भूपेंद्र उर्फ भूपी 38 गांव औसाद झज्जर निवासी मोहित उर्फ भोली 22 गुलाब उर्फ पहलवान 24 और गांव खरावर रोहतक निवासी मंजीत उर्फ चुन्नीलाल 29 के रूप में हुई है। सागर की हत्या के बाद से सभी 4 आरोपी फरार थे। अदालत ने इन सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। वारदात वाले दिन घटनास्थल पर पकड़ा गया प्रिंस दलाल इनके ही साथी था। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने खुलासा किया है कि सभी सुशील के कहने पर उस दिन छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे थे। पुलिस के मुताबिक भूपेंद्र के खिलाफ 9, मोहित के खिलाफ 5, गुलाब के खिलाफ 2 और मंजीत के खिलाफ 4 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।